अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, खैरियत से हैं? तभी सही है। वालेकुम अस्सलाम यासिर खान दादा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बड़ा करम। अच्छा दानिश भाई, आप इस वक्त जो यहाँ मौजूद हैं जाम शोरो अलमंदर पॉइंट के ऊपर, जहाँ ये कोटली बैराज है, तो यहाँ पर इस वक्त पानी के कितने लाख क्यूसिक पानी इस वक्त मौजूद है, एक आपका एक अंदाज़ा होगा? यासिर खानजादा साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको पीछे मंजर नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे, जी जी, जो ये पानी यहाँ से गुजर के जा रहा है, जी जी, ये पानी की इधर माशाल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है सही। और हिफाजती तदबीरें तमाम मौजूद हैं सही। और हमें इस हिफाजती तदबीर पर बहुत ज़्यादा फख्र है माशाल्लाह। मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ इस इदारे को जिसने ये मैनेजमेंट की। और यासिर भाई, ये असल में ये जो आने वाला 4 सितंबर और 5 सितंबर को आने वाला जो रैला है, जो 4 लाख क्यूसर और 5 लाख क्यूसर बताया जा रहा है, इस वक्त भी यहाँ पर 4 लाख या 4.5 लाख क्यूसर का पानी बह रहा है और ये माशाल्लाह बआसानी यहाँ से गुजर के जा रहा है। कोई ख़तरात जैसे मंजर नहीं है, मगर फिर भी हिफाजती तदबीरें कर ली गई हैं और हमें इस हिफाजती तदबीर से उम्मीद है कि हिफाजती तदबीर इंशाल्लाह ताला हमारे लिए कारामद साबित होंगी। तो आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, मेरे सामने की तरफ भी आप देखें, पानी के गुजरने की बेहतरीन अंदाज से माशाल्लाह पानी मौजूद है। यहाँ लोगों के हिफाजती इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से हो चुके हैं? जी हाँ, तकरीबन यहाँ से लोगों को हिफाजती मकाम को भी पहुँचा दिया गया है और हिफाजती तदबीर भी यहाँ पर है और सयाह भी आ रहे हैं। कई लोग इस पानी को देखने के लिए, जो पानी की सतह बुलंद हो चुकी है उसको देखने के लिए कई लोग आ रहे हैं यहाँ पर और सयाह भी यहाँ पर आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।